अभी अभी की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर, हर जगह तहलका मच गया है क्योंकि पहली बार वैज्ञानिकों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। जी हाँ दोस्तों, एलियंस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एलियंस का सिग्नल रिसीव किया गया है और सही सलामत और स्ट्रॉन्ग सिग्नल रिसीव किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर पूरे विश्व में आग की तरह फैल गया है क्योंकि जिसके बारे में वर्षों से खोज चल रही थी, अभी तक वैज्ञानिकों को कोई कामयाबी उतनी ज़्यादा नहीं मिली थी, लेकिन अभी अभी वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिल गई है। सही सलामत रिसीव किया गया है सिग्नल। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है वीडियो में। दोस्तों, एलियंस का जो सिग्नल रिसीव हुआ है उसको डिकोड भी किया जा रहा है और क्या क्या खुलासा हुआ है, जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो काफ़ी अच्छी और रोचक बनने वाली है। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अक्सर एलियंस को लेकर हमारे जहन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और हम कभी विश्वास करते हैं तो कभी विश्वास भी नहीं करते हैं। हम अंदर ही अंदर यही सोचते हैं कि ये काल्पनिक है, ऐसा एलियंस नाम का कोई चीज़ नहीं है। और आपने मूवियों में भी देखा होगा, बहुत पहले से मूवियों में एलियंस को दिखाया जा रहा है और जब आपने मूवी देखा होगा तो आपके दिमाग में और सारे प्रश्न उठे होंगे एलियंस को लेकर। और दोस्तों, आए दिन वैज्ञानिक दावे भी करते हैं एलियंस को लेकर, सबूत भी हमारे सामने रखते हैं, तब भी हमें उतना विश्वास नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जो अभी अभी एलियंस के बारे में जो सबूत पेश किया गया है, इसको सुनने के बाद हर कोई यकीन करने लगा है। आपको बता दें, हमारे सौर मंडल के बाहर, जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक ग्रह मिला है जहां पर एलियंस के होने की पुष्टि की गई है। वहां पर जीवन है, वहां पर इंसान भी रह सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें, ये जो ग्रह जो मिला है, ये हमारे पृथ्वी से 51 प्रकाश वर्ष दूर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो ग्रह है, ये सौर मंडल के बाहर है, हमारे सौर मंडल में नहीं शामिल है। सौर मंडल के बाहर ये ग्रह की खोज की गई है और इस ग्रह से लाखों सिग्नल्स रिसीव किए गए हैं, तो इससे यही साबित हो रहा है कि उस ग्रह पर लाखों एलियंस होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक दो एलियंस नहीं, लाखों एलियंस होंगे, पूरा का पूरा शहर बसा होगा। और दोस्तों, आपको बता दें, ये सिग्नल कैसे रिसीव हुआ है। आपको बता दें, नीदरलैंड्स में एक रेडियो टेलीस्कोप की मदद से ये सिग्नल रिसीव किए गए हैं। जब वैज्ञानिकों को ये सिग्नल मिला तो वैज्ञानिकों को यकीन ही नहीं हो रहा था, वैज्ञानिक पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वैज्ञानिकों ने फिर से रेडियो टेलीस्कोप को कमांड भेजा और जैसे रेडियो टेलीस्कोप को कमांड मिला, उसने सिग्नल फिर भेजा उस ग्रह पर। और उसके बाद दोस्तों, जो हुआ आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक के बाद एक लाखों सिग्नल्स को रिसीव किया उस टेलीस्कोप ने और उसमें बहुत सारी हलचल्स हो रही थी। और जो टेलीस्कोप में सिग्नल रिसीव किया गया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। जी हाँ दोस्तों, और लगातार ये सिग्नल मिल रहे थे। और आपको बता दें, हमारे धरती से 51 प्रकाश वर्ष दूर यह ग्रह पृथ्वी जैसा ही है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। उस ग्रह का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो पृथ्वी जैसा ही है, यानी वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। अगर इंसान वहाँ पर पहुँच जाए तो वहाँ पर इंसान जीवित रह सकता है, मानव बस्ती वहाँ पर बस सकती है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा ग्रह मिला है। और आपको बता दें, और सारी खोज जब की गई तो ये भी पता चला कि ये जो ग्रह है, जुपिटर जैसा यानी बृहस्पति ग्रह जैसा दिखता है। हमारे सौर मंडल में जो बृहस्पति ग्रह है, उसी की तरह ही है, लेकिन जो उसका वायुमंडल है वो पृथ्वी जैसा है। और इस ग्रह के वायुमंडल में, जी हाँ दोस्तों, एलियंस निवास कर रहे हैं। एलियंस का पूरा पूरा शहर बसा हुआ है, वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। और आपको बता दें, एलियंस का जो ये सिग्नल मिला हुआ है, इसको डिकोड किया जा रहा है, हर एजेंसी को ये डेटा भेजा जा रहा है।
हमारे इसरो के सिवान को भी ये डेटा मिला हुआ है और अमेरिका भी इसको डिकोड कर रहा है कि इस सिग्नल में ऐसा क्या है, ऐसा क्या रहस्य छिपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस सिग्नल को पूरी तरह से डिकोड कर लिया जाएगा तो हमें उस ग्रह के बारे में और सारी जानकारी मिल जाएगी और ये भी पता चल सकता है कि इस ग्रह पर क्या इंसान जीवित रह सकता है। अभी तो जो जानकारी मिली है उसमें अभी दिक्कत है, उसमें अभी कन्फ्यूजन है, लेकिन जब ये सिग्नल को अच्छी तरह से डिकोड कर लिया जाएगा तो पूरी तरह से ये प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ, इस ग्रह पर इंसान रह सकता है। इस ग्रह का सरफेस कैसा है, क्या इस ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन है, पानी है, बहुत सारी खोज हो जाएगी इस सिग्नल के माध्यम से। ये सिग्नल बहुत इम्पॉर्टेंट है वैज्ञानिकों के लिए और इसी पर ये काम कर रहे हैं। अब वैज्ञानिक सभी एजेंसियों को भेज दिए हैं डेटा ताकि सभी से कुछ ना कुछ जानकारी मिल पाए और जल्दी जानकारी मिल पाए, क्योंकि ये टुकड़ों में बट चुका है सिग्नल। अब धीरे धीरे सारी जानकारी इकट्ठा हो जाएगी तो हम उस ग्रह पर भी जा सकेंगे, जैसे चांद पर जा चुके हैं, मंगल ग्रह पर जा चुके हैं, उसी तरह ये जो ग्रह पृथ्वी से 51 प्रकाश वर्ष जो ये ग्रह स्थित है, इस पर भी वैज्ञानिक पहुंच जाएंगे और जीवन की तलाश कर लेंगे। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों की इस कामयाबी से जिस तरह वैज्ञानिक मेहनत कर रहे हैं, एलियंस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके मुताबिक यही लग रहा है कि जल्द हम एलियंस को पकड़ लेंगे, एलियंस की टेक्नोलॉजी को हम समझ लेंगे और एलियन से हमारा तालमेल हो सकता है, उनके साथ बातचीत हो सकती है और ब्रह्मांड के बारे में और सारी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि हम सबको पता है कि एलियंस की टेक्नोलॉजी हमसे काफ़ी एडवांस है और उनका दिमाग भी हमसे ज़्यादा एडवांस लेवल का है। और दोस्तों, एलियंस के बारे में और सारी खुलासा अगर हो जाएगा तो जैसे एलियंस जीवित रहते हैं, एलियंस मरते नहीं हैं, उसी तरह इंसान भी खुद को एलियंस जैसा बनाने में लग जाएगा। हमारा मतलब ये है कि एलियंस की टेक्नोलॉजी को पकड़ करके हम एलियंस जैसा जीवन स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, और कोई जानकारी मिलती है तो आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि एलियंस के बारे में लगातार खोज चल रही है और अभी अभी ये जानकारी मिली है, एलियंस का सिग्नल वैज्ञानिकों को रिसीव हो चुका है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।